के बीच में एक नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। ऊना से लेकर इंदौर तक की ये ट्रेन ऊना से जब चलेगी तो आगरा भी जाएगी, वृंदावन मथुरा भी जाएगी, ग्वालियर, महाकाल लोक और फिर जो हमारे उज्जैन में है और फिर इंदौर तक ये ट्रेन जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा, एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग थी, जब मैंने मांग रखी हरिद्वार के लिए और महाकाल लोक और वृंदावन मथुरा के लिए, मात्र 10 दिनों के अंदर ये दोनों ट्रेनों की मंजूरी करना, ये अपने आप में दिखाता है मोदी जी का हिमाचल प्रेम। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ हमने दौलतपुर चौक के लिए एक वॉशिंग लाइन भी मंजूर करवा दी, जो करोड़ों रुपए, लगभग 40-47 करोड़ रुपया खर्च होगा। वॉशिंग की सुविधा होगी, जितनी ट्रेनें हमारी पहले रुक जाती थी, भविष्य में अब हम उनको वहाँ लाएंगे भी, सफाई भी कराएंगे, यानी कि भविष्य में और ट्रेनों का हिमाचल से चलने का रास्ता खुल गया है। हमने अपने रेलवे ट्रैक इनको भी लंबा करने के लिए, ताकि 16 बोगी की जो ट्रेन आती है उसकी बजाय 22 बोगी की कैसे आए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको फुट ओवर ब्रिज के साथ जोड़ने के लिए हमने वो भी काम पूरा करवा दिया है। हमारी इसकी भी एक बहुत बड़ी सुविधा उत्तर रेलवे के माध्यम से यहाँ पर मिली है। और साथ ही साथ अम्ब इंदौरा रेलवे स्टेशन हमारा आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा, कुछ महीनों में बनकर वो भी तैयार हो जाएगा।